केंद्र की भाजपा सरकार विभिन्न स्तरों पर विफल हो रही है, वहीं ईडी प्रतिशोध के साथ कार्रवाई कर रही है। इस मुद्दे के विरोध में केंद्र सरकार के तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस की ओर से आज कामठी तहसील कार्यालय के सामने तहसीलदार अक्षय कविता को सामूहिक निवेदन दिया गया। मोदी सरकार बेरोजगारी कमी झालीच पाहिजे, इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई के कारण आम लोग कहीं नहीं आए हैं। अग्निपथ योजना बन गई है, अवैध पेट्रोल डीजल घरेलू गैस आवश्यक सामान जीएसटी ने आम लोगों के लिए जीवन कठिन बना दिया है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ ईडी के जरिए बदले की कार्रवाई की जा रही है। मौजूदा राज्य सरकार ने एक महीने के भीतर 672 फैसले लिए, लेकिन किसी भी फैसले से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी दर 8% से अधिक हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है और ये स्थिति इसीलिए पैदा हुई है क्योंकि उन्होंने रोजगार पैदा करने वाली सारी गतिविधियां बेच दी है। 2 करोड़ लोगों का रोजगार देने का दावा फेल हो गया है। मनरेगा के तहत सिर्फ कांग्रेस ने ही रोजगार दिया। कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के प्रमुख उपस्थित तहसीलदार अक्षय कविता को सामूहिक निवेदन दिया गया। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। राहुल जी तुम संघर्ष करो, अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD College Square, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।